अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं रुबीना अंसारी किचन में आपके लिए गाजर का जूस बना रही हूँ, जो कि बहुत हेल्दी है और बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। इसके लिए मैंने गाजरें ली हैं। यहाँ गाजरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं इसमें से सिर्फ एक ग्लास जूस के लिए गाजरें लूँगी। सबसे पहले मैं गाजरों को साफ़ करूँगी, इनके डंठल काटूँगी और जहाँ मुझे मिट्टी नज़र आएगी, हालांकि मैं इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी देख लेंगे कि कहीं ये ख़राब ना हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बरवक्त पहुँच सकें। अब मैं इन्हें मशीन के साइज़ का काटूँगी, क्योंकि मशीन का जो ओपनिंग होती है वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो फिर हम मिलते हैं तमाम गाजरें तैयार करके। व्यूअर्स, मैंने 3 गाजरें काट ली हैं और अब मैं इसे ऑन कर रही हूँ। व्यूअर्स, आपका गाजर का जूस तैयार है। इसमें मैं 2 पिंचेस काले नमक के डाल रही हूँ, जो कि इसके टेस्ट को इन्हेंस करेंगे। ये जूस हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स का हामिल है। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और बीटा कैरोटीन विटामिन के मौजूद है, जो कि हमारी आई साइट के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और हमारे खून से जहरीले मादों को निकाल कर खून को साफ़ करता है। अगर आपको ये जूस पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़।